हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सुपर GkTrick। आज है 7 मार्च और आज हम 7 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। इस करंट अफेयर्स के सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के सेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी है जो कि कल के वीडियो का रिविजन वीडियो है, तो इससे आप आसानी से आपका वीडियो रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर GkTrick को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम कल के कुछ का उत्तर देख लेते हैं। जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय को किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका सही आंसर है डी, महाराजा गुलाब सिंह। इनका नाम है महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की और साल 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने थे। उनका जन्म साल 1792 में जामवल कुल के एक डोगरा राजपूत परिवार में हुआ था, जो जम्मू के राज परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। महाराजा गुलाब सिंह ने वर्ष 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की, तो इनका नाम है गिरीश चंद मुर्मू, और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं RK माथुर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर है डी, महाराजा गुलाब सिंह। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। हाल ही में जिस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने, इनका नाम है किरण पोलार्ड। इनका नाम है किरण पोलार्ड, आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने को मंजूरी दे दी, ये है 10। इसका सही आंसर है 10। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है? ये कर दिया गया 8.50%, यानी 8.5%। भारतीय नौसेना कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में जिस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है, ये है मिलन 2020 को टाल दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? इन्होंने 15 कलाकारों को सम्मानित किया है। BCCI की सलाहकार समिति ने हाल ही में जिसे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है, इनका नाम है सुनील जोशी। उत्तराखंड सरकार द्वारा जिस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, तो यह गैरसैंण, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। वह देश जो विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, तो यह है लग्जमबर्ग। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 मार्च को। किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? इनका नाम है संजय कुमार पांडा। संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, RBI ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, यस बैंक। ये यस बैंक है। RBI ने इसके अतिरिक्त बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा तय की है। RBI ने इसके साथ ही बैंक के जमाकर्ताओं पर निकासी की सीमा सहित इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। बैंक का नियंत्रण भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में वित्तीय संस्थानों के एक समूह के हाथ में देने की तैयारी की गई है। तो इसका सही आंसर है ए, यस बैंक। करंट अफेयर्स का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया? ये भारत देश है। सही आंसर है बी, भारत। संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए भारत को बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्यों की स्थापना करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे फिलिस्तीन में रह रहे अधिकांश यहूदी ने स्वीकार कर लिया, किंतु अरबों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की। भारत ने वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के विरुद्ध मतदान किया था। तो इसका सही आंसर है बी, भारत। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोल विदों द्वारा
कितने नए ग्रहों की खोज की गई, कितने ग्रह खोजे गए हैं, तो इसका सही आंसर है सी 17 ग्रह, 17 नए ग्रह खोजे गए हैं। इन ग्रहों की खोज राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन की सेवानिवृत्त केपलर अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा किया गया। नासा के 4 वर्षीय केपलर मिशन द्वारा पारगमन विधि के प्रयोग से लगभग 2 लाख तारों का अध्ययन किया गया है। इन नए ग्रहों की खोज गोल्डिलॉक जोन में की गई है, जहां ग्रहों की चट्टानी सतह पर पानी की मौजूदगी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। खोजे गए ग्रहों में KIC 7340288 भी एक अत्यंत दुर्लभ ग्रह है। तो इसका सही आंसर है सी 17 ग्रह। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन में कौन से चरण की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है बी, यह दूसरा चरण है। ये आपको ध्यान रखना है, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इसका कुल परिव्यय 1,40,881 करोड़ रुपये है। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण में शौचालय तक पहुँच और उपयोग के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों में कार्यक्रम के पहले चरण में हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना है। करंट अफेयर्स का 5वां प्रश्न है, किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में 4थी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो इसका सही आंसर है सी PV सिंधु। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, PV सिंधु 4थी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। रियो ओलंपिक की रजत पदकधारी सिंधु ने पिछले साल स्विट्जरलैंड के बासेल में विश्व चैंपियन का स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट पुरस्कार भी जीता। उन्होंने साल 2000 ये पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। 2010 में पहली बार भारत की नेशनल टीम में जगह मिली। सिंधु ने 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता। उन्होंने इसी साल पहली बार दुनिया के टॉप 10 महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में जगह मिली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है PV सिंधु। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी टाइम मैगजीन है। ये सही आंसर है बी, ध्यान रखना हो आपको। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर को टाइम पत्रिका ने पिछली शताब्दी की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। टाइम ने अमृत कौर को 1947 और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर करार किया है। अमृत कौर एक शाही परिवार के ताल्लुक रखती थी, लेकिन उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर है बी टाइम मैगजीन, ध्यान रखना आपको। 7वां प्रश्न है, नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया है। इसका सही आंसर है डी प्रिजर्वेंस, इसका नाम है प्रिजर्वेंस, ध्यान में रखना आपको। नासा ने अपने मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम प्रिजर्वेंस रखा है, इसका अर्थ है दृढ़ता। नासा ने जुलाई 2020 में मंगल मिशन के लिए उड़ान को निर्धारित किया है। नासा ने एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता को बाद रोवर का यह नाम रख दिया गया है। यह रोवर का एक वैज्ञानिक की भांति मंगल ग्रह की सतह से सैंपल एकत्रित करेगा। यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह पर पहुँचेगा। तो इसका सही आंसर है बी प्रिजर्वेंस, ध्यान रखना आपको, जिसका मतलब होता है दृढ़ता। 8वां प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एंडोफाइटिक किटेनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर है ए चाय के पौधे, ये चाय के पौधे होते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका फ्रंटियर्स के में प्रकाशित एक लेख के अनुसार चाय के पौधे से जुड़ी एंडोफाइटिक बैक्टीरिया चाय के पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। एंडोफाइटिकैक्टिनो बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन 46 बैक्टीरिया पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में यह परिणाम पाया गया, यह बैक्टीरिया चाय के पौधे में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं तथा अपने जीवन चक्र के लिए इन पौधों पर कम से कम निर्भर करते हैं। इसका सही आंसर ए चाय के पौधे। 9वां क्वेश्चन है, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है डी दिल्ली, सही आंसर है दिल्ली। गूगल ने वर्ष 2021 में तक दिल्ली में भारत का अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। यह भारत में गूगल का दूसरा क्लाउड क्षेत्र होगा।
इससे पूर्व गूगल ने अपना पहला क्लाउड क्षेत्र वर्ष 2017 में मुंबई में खोला था। वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल ने कुल 22 क्लाउड क्षेत्र हैं। गूगल क्लाउड सेवाएं दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध हैं। गूगल क्लाउड क्षेत्र में डेटा संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, दिल्ली। 10वां क्वेश्चन है, बांग्लादेश बौद्ध क्रिश्चियन प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ए, शुद्धानंद महात्रो। इनका नाम है शुद्धानंद महात्रो। बांग्लादेश बौद्ध क्रिश्चियन प्रचार संघ के प्रमुख संघनायक शुद्धानंद महात्रो का 88 वर्ष की उम्र में ढाका में निधन हो गया। शुद्धानंद महात्रो बांग्लादेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख थे। वे अनेक सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों और अपने अनाथालय धर्म राजिक बौद्ध मठ के माध्यम से 350 से अधिक बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। बांग्लादेश सरकार ने वर्ष 2012 में उन्हें 21वें पदक से सम्मानित किया था। इसका सही आंसर ए, शुद्धानंद महात्रो। अब कुछ का प्रश्न देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी को हाल ही में चौथी बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? ऑप्शन है आपके ए, ऋतुपर्णा दास, बी, अर्चना देवधर, सी, पीवी सिंधु, डी, सायना नेहवाल। कुछ का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर जीके ट्रिक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।